कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पूरी दुनिया में फैलता दिख रहा है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस अब इंडिया तक पहुंच गया है। एक तरफ जहां कोरोना से एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हजारों लोग इससे अफेक्टेड हैं। लोगों में कोरोना वायरस का डर बढ़ता जा रहा है और डर का ये असर अब बॉलीवुड में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस का बॉलीवुड पर क्या असर हुआ। बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट टली। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जिस तरह की दहशत है, उसे ध्यान में रखते हुए जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने 24 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट ही टाल दी है और अब वो ये फिल्म तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कोरोना वायरस का खतरा टल नहीं जाता। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है और रोहित शेट्टी नहीं चाहते कि फिल्म को कोई नुकसान हो। इस कड़ी में नया नाम यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म संदीप और पिंकी फरार है। यशराज फिल्म्स ने भी फिल्म की रिलीज को रोकने का फैसला किया है। विदेशों में नहीं होगी शूटिंग। जोया अख्तर और रीमा काकती की जाने माने अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज मेड इन हेवन बेहद पॉपुलर हुई थी और अब बहुत जल्द इसके दूसरे सीजन यानी मेड इन हेवन पार्ट 2 की शूटिंग यूरोप में होने वाली थी, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। फिल्म सितारा पर भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिला। इस फिल्म में शोभिता धुलीपाला मुख्य किरदार निभा रही हैं। इसकी शूटिंग केरल में होने वाली थी जो फिलहाल रोक दी गई है। बड़े सितारों पर भी दिखा कोरोना वायरस का डर। दीपिका फ्रांस में होने वाले लुई विटों फैशन वीक 2020 में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन उन्हें जब पता चला कि कोरोना वायरस फ्रांस पहुंच गया है तो उन्होंने अपना ये ट्रिप कैंसिल कर दिया है। सलमान खान की फिल्म राधे की शूटिंग पहले जहां विदेश में हो रही थी, वहीं अब इसकी शूटिंग मुंबई में ही करने का फैसला किया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग भी राजस्थान से वापस मुंबई शिफ्ट कर दी गई। इसके अलावा करण जौहर की फिल्म तख्त की शूटिंग जो हाल ही में शुरू की गई थी, उसे भी रोक दिया गया है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग जयपुर और जैसलमेर में होनी थी। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में होने वाली थी, लेकिन इसे लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है। अगर कोरोना का खतरा बढ़ता दिखा तो शायद सभी फिल्मों की शूटिंग को कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। वहीं अर्जुन कपूर भी कोरोना वायरस से डरे डरे दिखे। उन्हें हाल ही में मुंबई के एक हॉस्पिटल में मास्क पहने स्पॉट किया गया। थिएटर को बड़ा नुकसान। हाल ही में रिलीज हुई इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना वायरस के असर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस फिल्म की बुरी हालत हो गई है। शुक्रवार को पहला दिन था, शनिवार से सभी थिएटर बंद किए गए। जाने माने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट अमोद मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले कोरोना वायरस का बॉलीवुड पर इतना असर नहीं था। जिस तरह से सरकार ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली, कर्नाटक, केरल, जम्मू और कश्मीर और मुंबई के सभी सिनेमाघर बंद रहेंगे, इन बातों को सुनकर जरूर कहा जा सकता है कि बहुत बुरी हालत होने वाली है। कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी तो थिएटर मालिकों को भारी नुकसान होगा। बॉलीवुड कर्मचारियों की रोजी रोटी पर खतरा। जिस तरह से फिल्म्स की शूटिंग की तारीख आगे बढ़ गई है, ऐसे में सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बल्कि उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है जो फिल्मों में काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, लाइट मैन और कैमरामैन जैसे तमाम लोगों का रोजगार फिल्म इंडस्ट्री पर टिका है। दूसरे सेक्टर्स की कंपनियों ने भले ही कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दे दी, लेकिन बॉलीवुड वालों का काम घर से नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। छोटी फिल्मों को उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। सूर्यवंशी की रिलीज डेट पीछे चली गई तो रणवीर सिंह की 83 और डेविड धवन की कूली, इन सभी फिल्मों की रिलीज तारीखों को फिर से तय किया जाएगा। रिलीज की तारीखों में होने वाले इन बदलावों का सीधा असर छोटी फिल्मों को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का असर खत्म हो और लोग अपने काम पर लौट सके। साथ ही हमारी आपसे यही अपील है कि इस वक्त पैनिक ना करें, सूझबूझ से काम लें और कोरोना से डट कर लड़ें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।